इलेक्ट्रिकल वर्क नॉलेज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे कि दीवार में बिजली के पाइप कैसे फिट किए जाते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं दीवार में पाइप फिट करने की। तो ये हमारे पास जेबी है, जिसे हम जंक्शन बॉक्स बोलते हैं। ये फोर वे है, ये सरफेस डीप वाली नहीं है, सरफेस है। ये हम दीवार में लगाएंगे। ये हमारे पास एक इंच के बैंड है दोस्तों। और ये हमारे पाइप, और इनको रोकने के लिए हमारे पास में है ये बॉम्बे खिले बोलते हैं इनको, 2.5 इंच के है इनकी साइज, इनको बॉम्बे खिले भी बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आज बताऊंगा आपको छत में पाइप, दीवार में पाइप कैसे। तो हमारा साथी है जो अभी दीवार में पाइप लगाने के लिए जीरी खोद रहा है। तो आप देखेंगे कि जीरी को कैसे खोदते हैं। जी दीवार में ग्राइंडर से कट हमने पहले से लगा लिया है, क्योंकि पहले इसलिए लगाया कि ग्राइंडर से बहुत धूल उठती है तो फिर वीडियो सही बन नहीं पाता है, इसीलिए हमने पहले कट लगा लिया है। आप भी हम जो यहाँ जेबी लगा रहे हैं वो 18 इंच पे लगाएंगे। जो अपना दीवार छत से पॉइंट रहेगा वो 18 इंच नीचे रहेगा, और स्विच बोर्ड की हाइट हम ले रहे हैं अपने फर्स्ट लेवल से 5 फीट की हाइट पे, जो कि हमारा ये है। ये हमारा स्टूल 5.5 फीट का है। तो आप देख सकते हैं कट हमारा 2 इंच नीचे है, मतलब 1 इंच 3 इंच की होती है, उसके हिसाब से 5 फीट का है। और ये हमारी जेबी खुदने वाली है, ये जीरी खोदते तब तक मैं आपको और बता देता हूँ कि हमने बाकी जीरियाँ भी खोद रखी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें अपने 2 पाइप आ रहे हैं, ये देखो स्विच बोर्ड तक ये 2 पाइप आ रहे हैं, ये 2 पाइप आ रहे हैं, यहाँ पे 2 पाइप आएंगे। इसके बाद 1 पाइप हमारे नीचे की ओर जा रहा है, जो नीचे टीवी के लिए जाएगा, नीचे अपने टीवी लगेगी उसके लिए ये पाइप स्विच बॉक्स में होते हुए ऊपर की ओर जाएगा। दोस्तों हम इसको सीधे भी मिला सकते थे, लेकिन हम इसको स्विच बोर्ड में क्यों लाए। स्विच बोर्ड में लाने का कारण यही है कि जब अपन स्प्रिंग डालते हैं वायर खींचने के लिए, तो पूरे पाइप में स्प्रिंग नहीं जा पाती, अटक जाती है बीच में, या कारणवश नहीं जाती है तो बीच में पाइप को खोलना पड़ता है। तो डायरेक्ट इसको स्विच बोर्ड में डाल दिया है, जिससे क्या है कि अपनी पहले स्प्रिंग स्विच बोर्ड में आएगी, स्विच बोर्ड के बाद फिर नीचे जाएगी, तो अपन को वायर डालने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वो देख सकते हैं हमारा साथी जीरी खोद रहा है अभी, वो लगभग जीरी खोद चुकी है। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, डायरेक्ट आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैसा इलेक्ट्रिकल। बहुत दोस्त काम करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं कि हम जीरी कैसे खोदे दीवार में, कैसे पाइप उतारे, वायरिंग करना आता है या उनको स्विच लगाना आता है, लेकिन वो जीरी करना नहीं जानते हैं कि कैसे क्या करेंगे। तो ये वीडियो बना रहा हूं मैं, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, दीवार में जीरी डाल सकते हैं। और इधर अपन ने कट लगा दिए है, देखो जो इनको अभी खोदना बाकी है। आप ताकि थोड़े से ना होके ब्रेकर से भी खोद सकते हैं, अगर आपके पास में ब्रेकर हो तो। हमारे पास में ब्रेकर है छोटा, ये ड्रिल मशीन वाला, इसे भी हम खोद सकते हैं। ये मैं आपको चला के दिखाऊंगा, ये इसे भी आप खोद सकते हो, इससे बढ़िया जल्दी खुद जाता है, लेकिन आप खोद सकते हो इससे भी। दोस्तों देखते देखे पाइप कैसे लगता है जी। ये पाइप से जेबी तक का हम नाप ले रहे हैं,
नाप के पाइप को पाइप में ये पाइप लगा दिया। पाइप लगा दिया है और ये जेबी तो ध्यान रखें सभी जेबी एक ही नाप पे रखें, अलग अलग नाप पे नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, एक ऊपर एक नीचे हो जाएगी। जो भी आपने निश्चित नाप करा है जैसे 18 इंच का तो 18 इंच पे ही सारी जेबी 18 इंच पे ही रखें और नीचे से बढ़िया है थोड़े से ठोक कर टाइट कर ले, बाद में प्लास्टर की टाइम निकले ना। और अभी जेबी हमारी लग चुकी है, अब देखते हैं पाइप के यहाँ से नाप ले लिया है और हाथ की जगह से अपन को आरी के पत्ते की मदद से इसको काटना है पाइप को। पाइप हमने हल्का यूज करा है, आप चाहे तो बढ़िया वाला पाइप भी यूज कर सकते हैं, मतलब बढ़िया जैसे ये हमने 30 से 35 रुपए के बीच वाला पाइप यूज करा है, जो व्हाइट कलर का पाइप आता है 50 से 60 रुपए का, वो भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये फूटेगा तो ये भी नहीं है। ये देखो दोस्त खिले से पाइप को कवर कर रहा है ताकि ये बाहर नहीं निकले और प्लास्टर व्लास्टर में ये बाहर नहीं आए इसीलिए। और खिला लगाते समय याद रखें कि एक कील इस साइड ठोके और एक कील इस साइड ठोके और बढ़िया टाइट से ठोके, पाइप बाहर नहीं रहे प्लास्टर से। और ये देखो कील है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक कील अपन ने इस साइड ठोकी है, दूसरी कील हमने इस साइड ठोकी है, तो इससे क्या पाइप अपना निकलेगा नहीं, सारी कीलें एक ही साइड में ना ठोके, इससे क्या है कि पाइप निकल जाता है। तो एक कील इस साइड और एक कील इस साइड, दोस्तों हमारा पाइप लग चुका है एकदम फिट और बढ़िया से। अब ये प्लास्टर के लिए रेडी है, प्लास्टर कर सकते हैं इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है अपन को, आसानी से जेबी अपनी मिल जाएगी वापस 18 इंच पे नाप के थ्रू। और ठीक है दोस्तों, बाय।